नागपुर में स्थित प्रसिद्ध धर्मदास हॉस्पिटल अम्मा का दवाखाना में 3 दिवसीय बच्चे की अचानक मौत हो गई, जिससे बालक के परिजनों ने हॉस्पिटल में हुड़दंग मचाया। वहीं हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस बुलाई थी, जिसके बाद वातावरण शांत हो गया। रेशम बाग स्थित अम्मा का दवाखाना में 3 दिवसीय बालक की अचानक मौत होने से बालक के परिजनों ने हॉस्पिटल में बड़ी शांति से अपनी बात रखते हुए हॉस्पिटल के गैर जिम्मेदाराना करतूत की वजह से बच्चे का देहांत हुआ ऐसी बात कही। रात 12 के आसपास दूध पीकर बच्चा सो गया था, मगर सुबह बच्चे की माँ को बच्चे की कोई हलचल नहीं दिखी। इस बात की जानकारी डॉक्टरों को दी गई। जब डॉक्टरों ने बच्चे को चेक किया तो बच्चा मृत था। डॉक्टरों के मुताबिक 6 घंटे पहले ही गुजर गया था, मगर इसकी जानकारी सुबह मिली। दौरान इस घंटे में नवजात बालक की तरफ ध्यान देना डॉक्टर या अन्य संबंधित व्यक्ति को क्यों उचित नहीं लगा, ऐसा सवाल भी परिजनों ने किया है। साथ ही इस मामले में एक गंभीर बात भी सामने आई है कि किसी भी नवजात बच्चे को माँ के दूध के सिवाय बाहर का कुछ भी पीने के लिए दिया नहीं जाता है, मगर इस घटना में बच्चे को पैकेट के दूध में शक्कर मिलाकर दूध पिलाया गया। इस सारे घटना को लेकर हमने डॉक्टरों से बात करने की कोशिश की, पर डॉक्टरों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। प्रकरण में हुड़दंग मचते देख हॉस्पिटल प्रशासन ने पुलिस को भी बुला लिया गया। आखिर पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल प्रशासन और बालक परिजनों में सामंजस्य से पुलिस के मदद से इस मामले में पर्दा कर लिया गया। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ नितिन शेगांवकर की रिपोर्ट।